हाय एवरीवन, मैं हूँ हर्षल अग्रवाल, आपका क्वांट एजुकेटर और SBAPO प्रीलिम्स की सेकंड शिफ्ट के रिव्यू के साथ में आप लोगों के साथ में हूँ। और क्वांट का रिव्यू बता रहा हूँ आप लोगों को, क्वांट में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे एग्जैक्ट बताता हूँ आपको, इधर उधर परेशान होने की जरूरत नहीं है उसके लिए। देखिए DI जो मेरे सामने एक्चुअली डेटा लिखा हुआ है जो मेरे पास स्टूडेंट से मैंने कलेक्ट किया है, इसलिए मैं उधर देख कर आपसे बात कर रहा हूँ। वो ये है कि तीन DI है, एक तो वेन डायग्राम बेस्ड DI है, ठीक है, एक है पाई चार्ट प्लस टेबल जिसमें मेल फीमेल का डेटा दिया हुआ, टेबल में रेशियो दिया हुआ है और साथ में पाई चार्ट है टोटल नंबर पे। चार चीजें थी पाई चार्ट में, चार चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन था और पांच क्वेश्चन आए क्वालटेक के। क्वालटेक में दो तीन क्वेश्चन इजी थे और दो क्वेश्चन थे रूट वाले, उसमें एक्स पर रूट लगा हुआ था तो थोड़ा सा वो क्वालटेक में आया है। उसके फैक्टर्स बनाने थे, जैसे आता है ना अलग अलग 3√x प्लस 2√x, दो अलग अलग तरह के फैक्टर बनाने थे। पांच इजी मिसिंग नंबर सीरीज आई है। DI की बात करूं तो एक और DI आई थी, वो कंप्लीटली टेबुलर आई थी जिसमें कि व्हाइट और ब्राउन ब्रेड के ऊपर DI थी, और व्हाइट ब्रेड का तो कोई उसमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, जो ब्राउन ब्रेड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा था व्हीट और मल्टीग्रेन के रूप में। वहां पर मल्टीग्रेन का डेटा दिया हुआ था और व्हाइट प्लस ब्राउन दोनों का टोटल डेटा दिया हुआ था, ये DI थी। और ओवरऑल बोलूंगा कि शिफ्ट वन से थोड़ा शिफ्ट टू हल्का सा ज्यादा कैलकुलेटिव लगा मेरे को, क्योंकि अर्थमेटिक बच्चे बता रहे हैं कैलकुलेटिव काफ़ी आए थे अर्थमेटिक में क्वेश्चन, और एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लेंथी आया था, बाकी 9 क्वेश्चन अर्थमेटिक में ठीक ठाक थे। तो ये था हमारा सेकंड शिफ्ट का रिव्यू, जहाँ पर तीन DI देखने को मिली है जिसमें से एक DI तो मैं बोलूँगा कि मॉडरेट टू हाई लेवल पर जाएगी, दो DI बाकी ईजी थी, और अर्थमेटिक कैलकुलेटिव थोड़ा ज़्यादा था और स्पीड मैथ्स ठीक ठाक थी, बस क्वालिटिक में थोड़ा सा रूट वाले क्वेश्चन आ गए थे, जिसके लिए मेरे लेक्चर ऑलरेडी इस चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, ये था हमारा सेकंड शिफ्ट का एक मिनट का रिव्यू।